राजस्थान के बाड़मेर सियासत के दो चौधरी कोरोना काल को भूलकर अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। दोनों चौधरी आमने सामने सामरा रण को लेकर चमका रहे हैं अपनी सियासत। पहले आपको बता देते हैं कि कौन है दिग्गज चौधरी। कैलाश चौधरी बाड़मेर के बायतू निवासी, जो कि बाड़मेर जैसलमेर के भाजपा से वर्तमान लोकसभा सांसद व वर्तमान मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं। दूसरे हरीश चौधरी बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा में वर्तमान विधायक व राजस्थान की गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हैं। पूरे देश में कोरोना काल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कोरोना संकट काल में मोदी सरकार व गहलोत सरकार के दोनों मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं। कोरोना काल में देश संकट में है, लेकिन सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बाड़मेर की सियासत में धूर विरोधी माने जाने वाले मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जो गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। इस बार तल्खी की वजह बना पंचपद्रा के सामरा में महज 24 घंटे के दरमियान बनकर तैयार हुआ कोविड केयर सेंटर। हरीश चौधरी की अगुवाई में तैयार हुए इस कोविड डेडिकेटेड सेंटर को लेकर राजस्व मंत्री वाहवाही ले रहे हैं, वहीं बाड़मेर में अपनी छवि भी चमका रहे हैं। तो राजनीतिक समय अपने मैंने स्वयं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दिया और मुझे आशा है कि जो उन्होंने फैसला किया वो फैसला लागू करेंगे और इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी की भी, किसी पृष्ठभूमि के लोग आज जो पिछला पृष्ठभूमि चाहिए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी अपनी छवि चमकाने में पीछे क्यों रहे। उन्होंने राजस्व मंत्री पर सांबरा में कच्चे मकान तोड़कर कोविड सेंटर बनाने के संगीन आरोप लगाए हैं। कोरोना काल के दौरान दोनों वरिष्ठ नेता अपनी जिम्मेदारी भूलकर सांबरा रण के नाम पर दोनों मंत्री अपने बाड़मेर जिले में सियासत को चमका रहे हैं। वहीं बाड़मेर जिले में रोजाना लोग मर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्व मबतरू हरीश चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के द्वारा गरीबों की आशियाने उजाड़ने का जो कृत्य किया गया है वो घोर निंदनीय है। जमीन उजाड़ने का कारण जमीन का बहुत कीमती होना है, क्योंकि जमीन रिफाइनरी के बहुत नजदीक है, इसलिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी उस कीमती जमीन को हड़पना चाहते हैं। उधर लगातार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार के साथ हरीश चौधरी पर हल्ला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हर विधानसभा में एक एक और दो दो कोविड सेंटर शुरू कर दिए हैं। जहां उनको जरूरत लग रही है वहां और भी कोविड सेंटर नहीं खोले जा रहे हैं। ऐसा है कि किसी का भी गरीब का मकान तोड़ना वो दुखदायी होता है और मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि सेवा करने चाहिए, सेवा करने के हम विरोधी नहीं है, चाहे कहीं पर भी हॉस्पिटल खोले, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति का मकान तोड़ना और उसके पीछे हेतु दूसरा होना, ये दुख का विषय है कि एक मंत्री लेवल के वो मंत्री हो और वो स्वयं अगर वहाँ खड़ा रह के और गरीब व्यक्ति का मकान तोड़वाता है, तब जरूर एक इस समय में वो चिंता होती है कि अब गरीब आदमी किसके सामने न्याय मांगने जाए। तो इसलिए इसके पीछे कारण क्या है वो तो भविष्य में पता चलेगा कि जो करोड़ों रुपए की जमीन है उस जमीन का मुझे कहीं कहीं लगता है कि वहाँ ये जो रिफाइनरी के पास में जमीन है उसको किसी न किसी एनजीओ के या अन्य करके और अपने उसको कब्जा करने का पीछे हेतु दिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की यहाँ की जनता जागरूक है और ऐसा कृत्य निश्चित रूप से नहीं करने देगी और जरूर अगर किसी गरीब व्यक्ति का मकान टूटता है और वो भी इतने बड़े एक जिसको जनता ने चुना है तब निश्चित रूप से ये दुखदायी विषय। इसी बीच बाड़मेर जिले के सिवाना से जीते हुए भाजपा विधायक हमीर सिंह भायल ने भी गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर सांबरा रण को लेकर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है। पर धर्मदाताओं ने इतना बढ़िया भवन बनाया हुआ है उसमें भी आप कोविड सेंटर खोल सकते थे, पर ये अभी जो मंत्री जी ने कहा इस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा हेतु है उनके, गरीबों का घर उजाड़ने का कारण सिर्फ अपने एक हमारे यहाँ राजस्व मंत्री तो खूब हुए, हमारे आदरणीय हेमाराम जी भी हुए, आदरणीय अमराराम जी हुए, पर राजस्व वसूल करने का जो तरीका अभी वर्तमान में है ये मेरे ख्याल से किसी के पास में नहीं देखा था, तो ये अभी देखने को मिल रहा है। और आप ये कहोगे कि चिकित्सा व्यवस्था के लिए ये अब कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री को, राजस्थान में 14 मेडिकल कॉलेज अब दिए, उनका उद्घाटन होकर काम हो रहा है, एक मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ में बनती है। आपको ध्यान होगा कि एम्स भारत में कितने थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद में 2014 से लगाकर मोदी जी ने कितने एम्स दिए,
मेडिकल कॉलेज आज़ादी के बाद में 180 मेडिकल कॉलेज बनी थी और ये 14 के बाद में 96 मेडिकल कॉलेज अभी ये सिर्फ 6 साल में बन गई है। इससे ज़्यादा बढ़ाकर भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, तो ये चिट्टे उछालने का काम राजस्थान सरकार जो कर रही है, रेमिटेंस इंजेक्शन कहाँ पंजाब भेजे और किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं कि ऐसी बातें आप कर रहे हो और अभी मिलजुल कर इस आपदा के अंदर अपन कैसे काम करें। अब मैं धन्यवाद दूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी को कि इन्होंने जैसलमेर से लगाकर इतना भूभाव बढ़ाए सब जगह घूमने के साथ में। कल मेरे पास में फोन आया कि नहीं, कल 9 बजे समदरी से लगाकर पूरे सिवाना में जहाँ कंसेंटर की आवश्यकता है, जो भी चीज़ की आवश्यकता है, अपन मिलकर पूर्ति करेंगे। और आज ये उदाहरण है अपने सामने कि जनता के लिए अपन कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा मेडिकल स्टाफ को कि वास्तव में आउट ऑफ वे जाके ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। शिवाना की जनता को अपील करना चाहूँगा, मैं शिवाना की जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि गाइडलाइन में रहकर आप घर में रहें। अगर 10 दिन और भी अपन को भुगतना पड़े, पर घर में रहने की वजह से चैन टूटेगी और अपन कोरोना से जीत जाएंगे तो सारा रास्ता साफ होके आगे विकास भी होगा, सारा बढ़िया होगा। अब देखना ये होगा कि ये नेता अपनी सियासत चमकाते ही रहेंगे या फिर कोरोना से मर रहे बाड़मेर जिले के मरीजों के लिए कुछ व्यवस्था का इंतजाम भी करेंगे। इस बड़ी खबर में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते हैं सिर्फ मरुदो बुलेटिन। नमस्कार।